रामपुर नाम के गांव में एक सोमपाल नाम का आदमी रहता था। उसके पास एक ट्रक था। वह उस ट्रक को चलाकर ही अपना गुजारा करता था, लेकिन समय के साथ साथ उसका ट्रक पुराना हो चला था। एक दिन जब वह सामान लेकर देर से एक दुकान में पहुंचा, तो उस दुकानदार ने कहा, अरे भाई सोमपाल, तुम्हारा ट्रक तो आए दिन खराब ही रहता है, अब तुम हमारा माल मत लाया करो। अरे नहीं सेठ जी, ये तो आज खराब हो गया, मैं आगे जैसा नहीं करूँगा, समय पर आपका माल पहुँचाऊँगा, आप मेरा ऑर्डर कैंसिल ना करें। लेकिन अधिकतर उसका ट्रक खराब रहने के कारण अब अधिक गोदाम मालिक और दुकानदार उससे काम नहीं करवाते थे। एक दिन कमलू मैकेनिक ने उससे कहा, अरे सोमपाल भाई, आज तो यह ट्रक मैं ठीक कर रहा हूँ, अगली बार यह खराब हुआ तो इसे मैं भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। सोमपाल ट्रक लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन जब वह जंगल के रास्ते गुजर रहा होता है, तभी उसे एक हाथी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। एक हाथी एक गड्ढे में गिरा हुआ था। सोमपाल भागकर अपने ट्रक से रस्सा उठा लाता है और रस्से का एक सिरा एक बड़े पेड़ से बांध देता है और दूसरा सिरा गड्ढे में गिरा देता है। रस्से को पकड़कर हाथी बाहर निकल आता है। हाथी उसके पास आकर अपनी सूंड हिलाकर उसका धन्यवाद करता है। सोमपाल घर आकर अपनी बीवी कमला को सारी बात बताता है। अगले दिन सुबह जैसे ही सोमपाल उठता है, उसकी बीवी कमला भागी भागी उसके पास आती है। अरे अरे, इतना बड़ा हाथी और इसकी सूंड में आपके लिए कुछ है, जरा बाहर आइए। ये भेंट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गजराज। एक दिन जब सोमपाल ट्रक में माल भरकर ले जा रहा था, तभी जंगल के रास्ते उसका ट्रक खराब हो जाता है। अरे अब इस ट्रक को क्या हो गया? सोमपाल कमलू मैकेनिक को बुलाता है। भाई सोमपाल दोस्त, अब मेरे बस का नहीं है इस ट्रक को ठीक करना। लेकिन कमलू भाई, माल से भरे ट्रक को ऐसे कैसे छोड़ूं? तभी उन्हें हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और गजराज आकर सोमपाल के पास खड़े हो जाते हैं। सोमपाल समझ जाता है और गजराज सोमपाल के ट्रक को खींचकर गोदाम तक ले जाता है। उस रात सोमपाल मायूस होकर अपनी पत्नी से कहता है, कमला अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम नया ट्रक ले सकें। फिक्र क्यों करते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप मेहनत करते हो ना, इसीलिए आपकी हार कभी नहीं हो सकती। तुम ठीक कहती हो कमला। अगले दिन सुबह उनकी नींद हाथी के चिल्लाने से खुलती है और देखते हैं कि गजराज अपनी सूंड में रस्सा लिए ट्रक के पास खड़ा है। आप क्या कहना चाहते हैं गजराज? कमला हाथी का इशारा समझ जाती है। मैं समझ गई, ये आपकी मदद करना चाहता है, ये ट्रक खींचना चाहता है। सोमपाल ट्रक के आगे रस्सा बांधता है। अब सोमपाल का ट्रक एक इंजन से नहीं एक हाथी से चलता है और समय पर पहुंचाने लगता है। यह देखकर सभी लोग उसे हाथी वाले ट्रक के नाम से जानने लगते हैं। कुछ ही समय में सोमपाल एक नया ट्रक ले लेता है। मुझे विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गजराज, तुम ना होते तो ये मुसीबत कैसे टलती। उड़ता ऑटो। झेलमपुर गांव में तोताराम नाम का एक बूढ़ा ऑटो ड्राइवर रहता था। उसका एक बेटा था रामू, जो कोई काम नहीं करता था, बस इधर उधर आवारा घूमता रहता था। रामू का एक बेटा था भीमा, जो बहुत ही होशियार था और वह अपने दादाजी की बहुत इज्जत करता था। एक दिन भीमा ने अपने पापा रामू से कहा, पापा तुम बिना काम के इधर उधर घूमते रहते हो, दादाजी का ऑटो चलाने में हाथ क्यों नहीं बटाते, अब वो बूढ़े हो गए हैं। क्या बात है बच्चू, बड़ी दया आ रही है अपने दादाजी पे, तू भी तो अब बड़ा हो गया है, तू ही क्यों नहीं चला लेता ऑटो, और वैसे भी मैं उस खटारा ऑटो को चलाने वाला नहीं हूँ। यह देखकर तोताराम कहता है, अरे बेटा भीमा मत बोल इसे, इसे तो शर्म लिहाज है नहीं। भीमा वहाँ से नाराज होकर चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ गांव के तालाब के पास घूमने निकल जाता है। तभी उसकी नज़र तालाब के पास पड़े एक पुराने हेलीकॉप्टर पर पड़ती है, जो काफ़ी सालों से यहां पर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया था। हेलीकॉप्टर को देखकर उसके मन में एक सुझाव आता है। वह अपने मैकेनिक दोस्त कालू को लेकर वहां आता है और उससे कहता है,
कालू, हेलीकॉप्टर को देखकर मेरे मन में एक सुझाव आया है। क्यों ना इसका इंजन और इसके पंख हम अपने ऑटो में जोड़ लें? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ भीमा, विचार तो अच्छा है। चलो ऐसा कर देखते हैं, हो सकता है ऑटो उठने लग जाए। अगले ही दिन से भीमा और कालू इस काम में लग जाते हैं और 3-4 दिन की मेहनत के बाद वो दोनों ऑटो में हेलीकॉप्टर का इंजन और पंख जोड़ देते हैं, जिससे उनका ऑटो उठने लगता है। अरे वाह कालू, हमारी मेहनत सफल हुई। देखो ऑटो उड़ रहा है, चलो इसे उड़ाकर अपने घर ले चलते हैं। हाँ हाँ भीमा, मैं भी बहुत खुश हूँ। भीमा ऑटो को उड़ाकर सीधा अपने घर के आंगन में उतार देता है और अपने दादाजी से कहता है, दादाजी यह लीजिए मेरी तरफ से आपको तोहफा। अब आपको ऑटो चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो आप ऑटो उड़ा सकते हो। उड़ते हुए ऑटो को देखकर तोताराम कहता है, अरे वाह भीमा बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। एक ये है तुम्हारा बाप निकम्मा रामू, जिसने सारी उम्र कुछ नहीं किया। एक तुम हो जिसने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उड़न ऑटो से दो फायदे होंगे, एक तो पेट्रोल की बचत होगी और दूसरे लोग जहां चाहे वहां जा सकेंगे। यह सुनकर रामू को बहुत गुस्सा आता है और वह रात में मौका पाकर ऑटो को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोताराम खिड़की से यह सब देख लेता है और छड़ी उठाकर रामू की पिटाई करता है। अरे बेशरम, कुछ तो शर्म कर, तूने तो सारी उम्र कुछ किया नहीं, अब अपने बेटे के प्रयोग को तोड़ना चाहता है, उसकी मेहनत को असफल करना चाहता है। शोर सुनकर सभी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और रामू शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है और वह कसम खाता है कि आइंदा कभी ऐसा काम नहीं करेगा और मेहनत करके अपना घर चलाएगा। इधर भीमा और कालू के उड़न ऑटो की खबर सुनकर गाँव के मुखिया वहाँ पहुँचते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। भीमा, कालू, तुम दोनों ने हमारे गांव का नाम ऊंचा किया है। हमने तुम्हारे इस प्रयोग की खबर शहर के बड़े ऑफिसर्स को दी है, वो भी तुम्हें इनाम देने के लिए इच्छुक हैं। और इस तरह झेलमपुर गांव को भीमा के उड़ते ऑटो वाले गांव के नाम से जाना जाता है। ट्रक बना ट्रेन। रुद्रपुर गाँव में एक ट्रेन वैगन बनाने की बहुत बड़ी कंपनी थी। उस कंपनी में आस पास के गाँवों के हजारों लोग काम करते थे। उस कंपनी में एक हफ्ते में 4-5 वैगन तैयार होती थी। उन ट्रेन वैगन्स को ट्रकों के पीछे बांधकर दूसरे राज्यों में भेजा जाता था। इस काम के लिए कंपनी ने बहुत अच्छे ड्राइवर्स को रखा हुआ था और ट्रेन वैगन्स को सही सलामत पहुंचाने पर ड्राइवर्स को इनाम भी दिया जाता था। इसी गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह काम मांगने के लिए वैगन फैक्ट्री के ऑफिसर से मिला। नमस्कार सर, सर ये है मेरा बायोडाटा, मैंने दूसरे शहर से ड्राइविंग की ट्रेनिंग ली है। ठीक है रमेश, तुम्हारे सर्टिफिकेट तो ठीक हैं, लेकिन तुम्हारा ट्रायल लिया जाएगा, उसके बाद ही तुम्हें ड्राइवर रखा जाएगा। वैगन कंपनी रमेश का ड्राइविंग का ट्रायल लेती है। ट्रायल के बाद उसे कंपनी ड्राइवर के रूप में रख लेती है। नौकरी पर रखे जाने के बाद रमेश को एक वैगन को दूसरे शहर में पहुँचाने के लिए कहा जाता है। रमेश वैगन का ट्रक लेकर चला जाता है और 3 ही दिन में वैगन को दूसरे शहर पहुंचाकर वापस आ जाता है। यह देखकर कंपनी उसके काम से खुश होती है। इस बात से पुराने ड्राइवर नाराज हो जाते हैं। एक दिन जब रमेश कैंटीन में बैठा चाय पी रहा था, तभी कालूराम उसके पास आता है। क्या बात है भाई छोकरे, नया नया जोश है, 3 दिन में ही गाड़ी पहुँचा दी। जी उस्ताद जी, क्या करें, सड़क खाली मिली थी। अबे हमें मत सिखा, तू सड़क खाली मिली थी कि क्या मिला था। हम लोग 4-5 दिन में गाड़ी पहुंचाते हैं तो ऊपर की कमाई भी करते हैं। ऊपर की कमाई, वो कैसे उस्ताद जी? हम लोग जाते जाते वैगन में रास्ते में सवारियां बिठाते हैं और उनसे पैसे भी लेते हैं। तू भी ऐसा किया अगर बच्चे, नया नया है, सब सीख जाएगा। रमेश को कालूराम की यह बात अच्छी लगती है। अगली बार जब वो वैगन लेकर जाता है तो ऐसा ही करता है, रास्ते में सवारियों को बिठाता हुआ जाता है। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन रमेश के मामा के लड़के की शादी थी, तब उसने रमेश से कहा, भैया बाकी सब इंतजाम तो हो गया है, लेकिन बारात के लिए गाड़ी नहीं मिल रही, बहुत पैसे मांग रहे हैं बस वाले। अरे वो तो उसकी फिक्र मत कर, वो मुझ पर छोड़ दे। रमेश अपने मामा के लड़के की शादी वाले दिन ट्रक में वैगन लेकर आता है और उस वैगन में बारात को बिठाकर शादी के लिए ले जाता है और शादी पूरी होने के बाद बारात को वापस मामा के घर ले आता है और अपने मामा से कहता है,
तो ठीक है मामा जी, मैं अब चलता हूँ, मुझे वैगन को दूसरे शहर पहुँचाना है। रमेश अगले दिन जैसे ही वैगन को दूसरे शहर लेकर पहुँचता है तो वहाँ पे मैनेजर वैगन को देखकर रमेश से कहता है, रमेश ये क्या लाए हो भाई तुम इस बार? अरे साहब, वैगन ही तो है जो कंपनी ने दिया, मैं ले आया। अरे रमेश, ध्यान से देखो, कंपनी कब से वैगन को सजाने लग गई, और इस वैगन के अंदर इतनी गंदगी क्यों है? कंपनी के बड़े ऑफिसर रमेश से सख्ती से पूछते हैं। रमेश उन्हें सारी बात बता देता है। कंपनी सभी ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन लेती है और सभी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। और इस तरह ट्रेन ट्रक से पैसे कमाने के लालच में कई ड्राइवर्स की नौकरी चली जाती है। हवाई रिक्शा। कई साल पहले एक गांव में गिरधारी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो रिक्शा चलाता था। उसका एक पोता था बंटी। बंटी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बंटी को उसके दादाजी ने ही पाला था। एक दिन गिरधारी लाल अपने रिक्शा के पास जाते जाते गिर जाता है। बंटी भागकर अपने दादाजी को उठाता है। अरे दादाजी उठिए, क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी कमजोरी है, ठीक हो जाऊंगा। बंटी भागकर वैद्य जी को बुलाकर लाता है। वैद्य जी गिरधारी लाल का चेकअप करते हैं और उन्हें दवाई देते हैं, लेकिन वह बंटी को एक कोने में ले जाकर अकेले में बोलते हैं, देखो बंटी, मैंने अभी तुम्हारे दादाजी का इलाज कर दिया है, लेकिन बेटा मुझे लगता है शायद उन्हें कैंसर है, तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। बंटी के दादाजी ने बंटी से पूछा, क्या बात है बेटा बंटी, क्या कहा वैद्य जी ने? अरे कुछ नहीं दादाजी, आप बिल्कुल ठीक है, मामूली सा बुखार है, आप दो चार दिन में ठीक हो जाएंगे। और आप रिक्शा की बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अब इतना बड़ा तो हो गया हूँ कि रिक्शा चला सकता हूँ। अगले ही दिन से बंटी रिक्शा चलाने लगा, लेकिन बंटी की उम्र देखकर उसके रिक्शा में कम लोग बैठते थे। वह दिन भर मेहनत करता और रात में दादाजी की सेवा करता। काफी दिन बीत गए, लेकिन दादाजी ठीक नहीं हुए। एक दिन बंटी गर्मी के मारे परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठा। तभी वहां से एक साधु गुजरे। क्या बात है बेटा, तुम परेशान क्यों हो? बंटी ने उनको अपनी दादाजी की बीमारी और अपने घर के सारे हालात बताए। यह सुनकर साधु महाराज ने बंटी से कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, और हिम्मत से काम लो। मैं तुम्हें हिमालय में एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां से तुम संजीवनी बूटी ला सको, और उसे तुम अपने दादाजी को खिलाना, तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन महाराज, मैं हिमालय तक जाऊंगा कैसे? मेरे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है इस रिक्शा के अलावा। बेटा, यह रिक्शा ही तुम्हें वहां लेकर जाएगा। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसे तुम रिक्शा पे बैठकर बोलोगे तो तुम्हारा रिक्शा उड़ने लगेगा और तुम जहाँ चाहो इसे ले जा सकते हो। साधु महाराज बंटी के कान में वो मंत्र बोलते हैं। बंटी रिक्शा में बैठकर वह मंत्र पढ़ता है और रिक्शा उड़ता हुआ सीधा हिमालय पर्वत पहुंचता है। अरे वाह, यह तो चमत्कार हो गया। और बंटी वहां से संजीवनी बूटी लाकर अपने दादाजी को खिलाता है। उसके दादाजी ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाला कमलू यह देख के उनसे जलने लगता है। अरे अरे बंटी बेटा, क्या बात है, तुम्हारा रिक्शा तो उड़ने लग गया, क्या बात है, क्या जादू मंत्र करते हो? बंटी भोलेपन में उन्हें मंत्र बता देता है और कमलू लालच में आकर अपने रिक्शा पर बैठकर वह मंत्र पढ़ता है। क्योंकि कमलू के दिल में चोर था और उसने लालचवश अपने रिक्शा को उड़ाना चाहा, और उसका रिक्शा थोड़ी देर उड़कर एक गड्ढे में जा गिरा। यह देखकर सभी लोग हंसने लगे और बंटी के दादाजी ने उनसे कहा, देखो भाइयों, किसी भी विद्या का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें जो भी ज्ञान मिले उसका हमें अच्छाई के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब।